क्या अचीव करेगा वापस, वो वापस क्या अचीव करेगा, वो इक्विलिब्रियम। तो अभी भी बाहर का प्रेशर कितना है, एटीएम, तो अंदर का भी प्रेशर कितना रहना चाहिए, एटीएम, बराबर है। तो पी वन और पी टू क्या हो गए, तो मुझे बताओ यहाँ पे P1 is equal to P2, so over here P1 will be equal to P2, तो दोनों प्रेशर क्या हो गए, सेम। So I am providing heat at constant pressure, constant volume and constant temperature, constant pressure। तो आज हमारे प्रोसेस में अगर constant pressure पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ, मुझे बताओ heat energy का formula क्या हो जाएगा, delta Q will be equal to, अगर मैं constant pressure पे heat energy provide कर रहा हूँ, delta Q will be equal to क्या आता है, Cp delta theta, so it will be equal to n Cp delta theta, ठीक है? So मुझे बता दो यहाँ पे, just a mention. So over here n Cp delta theta, number of moles कितने हैं? Two. और Cp Cp मोलर तो मैं क्या दिया? Seven by two, will be equal to Cp, or Cp कितना होता है, IR by 2, excellent। change in temperature, initial temperature कितने का था, 300, heat करके मैं कितना कर रहा हूँ, तो difference कितना हो गया, समझ में आ गया ये part, okay, this is part clear to everyone, clear है ये point, ये A part हो गया, A part में क्या हो रहा था, piston was moving, second part में piston was, अगर पिस्टन चेंज रहेगा तो क्या वॉल्यूम चेंज होगा, तो अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है प्रोवाइडिंग हीट एट कांस्टेंट, तो सेम चेंज इन फार्मूला क्या आ जाएगा, एन डीवे लगेगा, लॉजिक सबको क्लियर है, गुड। ये और बी पार्ट समझना है, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है वैसे, कैन डायरेक्टली कंटिन्यू विद द सॉल्यूशन, और सेकंड का मुझे आंसर बता दो क्या है,
इक्वली, इक्वली मतलब क्या इक्वल क्वालिटी, इक्वली ओके ब्रैकेट में लिखना both sides are filled with the same gas, both sides are filled with the same gas. जो भी है मोनोटॉमिक है तो दोनों साइड मोनोटॉमिक, डायटॉमिक है तो दोनों साइड डायटॉमिक, ठीक है गैस वगैरह दोनों साइड सेम, ठीक है. कैलकुलेट कॉमा देखो, ब्रैकेट क्लोज कर दो कॉमा देखो, कैलकुलेट 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 द प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. वॉल्यूम ऐसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, calculate pressure, volume and temperature when one side of the gas, one side of the chamber, when one side of the chamber is heated such that its volume becomes 7V0/8. 7V0/8. ठीक है. तो आगे देखो. Initially, both sides of the chamber were at a pressure. Same हाँ. Pressure temperature volume क्या रहेगा? V0 or T0. Also calculate the heat. Also calculate the heat. Okay. Of the chamber have pressure, volume, and temperature P0, V0, and T0. Okay. Also calculate the heat energy. Yeah. अभी यहाँ पे gas chamber अगर मैं horizontal लूँ या vertical लूँ फर्क पड़ेगा क्या? क्यों? Piston का mass दिया है क्या? उसको हम लोग वर्टिकल लेके सॉल्व करेंगे, वहां पे हम लोग मास ऑफ द पिस्टन भी कंसिडर करने वाले, बट करंट हम लोग उतने डेप्थ में नहीं जाने वाले फिलहाल के लिए. मतलब पहले सिंपल समझते हैं, ठीक है. हाँ मुझे बताओ पिस्टन को हम लोग हॉरिजॉन्टली लेके सॉल्व, ठीक है. ये सिलेंडर था, क्या सिलेंडर था, इनिशियली पिस्टन यहाँ पे था, क्या एवरीवन ओके. प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर कितना था? P0, V0, T0. राइट हैंड साइड में कितना था? P0, V0, T0. यहाँ पे अगर दिया नहीं रहेगा तो हम लोग अज्यूम करना पड़ेगा साइड ऑफ द वॉल आर क्या अज्यूम करेंगे, कंडक्टिंग का एरिया बैठेगा ना, फिर भी एडमिटिंग तो ये दोनों के बीच में कोई भी हीट एक्सचेंज होगा क्या? ठीक है, पिस्टन भी यहाँ पे एडियाबेटिक है तो ये दोनों के बीच में भी हीट नहीं होगा. तो ऑब्वियसली इफ आई हीट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द चेंबर विल इट एक्सपैंड और विल इट कॉन्ट्रैक्ट? एक्सपैंड, गैस एक्सपैंड हो जाएगा, पिस्टन मूवेबल है, पिस्टन राइट में जाएगा या लेफ्ट में जाएगा? राइट सर, तो पिस्टन राइट में चला जाएगा तो पिस्टन हो जाएगा एक्सपैंड. पर मुझे बताओ पिस्टन थोड़ा सा राइट में चला गया फिर भी साइज ऑफ द चेंबर चेंज होगा क्या? अब यहाँ पे प्रेशर पता नहीं, प्रेशर मुझे दोनों साइड का कैलकुलेट करना है, ठीक है. प्रेशर पता नहीं, सिर्फ वॉल्यूम और टेम्परेचर पता है. ये बताओ वॉल्यूम और टेम्परेचर, प्रेशर पता नहीं, वॉल्यूम कितना दिया है? 7V0/8. तो ये कितना हो जाएगा राइट हैंड साइड में? 7V0/8 तो राइट हैंड साइड वाला कितना हो जाएगा? 9V0/8. एक्चुअली जो है हीट के वो 9V0/8 होना चाहिए. तो ये कितना हो जाएगा? 7V0/8. क्लियर है ये पॉइंट? जो साइड में हीट करूंगा वो 9V0/8 रहेगा, ये रहेगा 7V0/8. लॉजिक समझ में आया? सो गो अहेड एंड सॉल्व दिस पार्ट. पिस्टन अभी भी एडियाबेटिक है, क्या हुआ? ओके, टोटल वॉल्यूम पहले कितना था सिलेंडर का? यहाँ पे V0, यहाँ पे कितना V0?
कितना हो गया 2 V0। क्या वॉल्यूम ऑफ द चेंबर चेंज हो रहा है, चेंबर ऐसा होल चेंज हो रहा है क्या? नहीं। तो अगर ये 7 V0/8 रहेगा तो दूसरा वाला मुझे पता नहीं, लेट्स से इसमें इक्वल टू बी, तो ये कितना हो जाएगा यहां पे बताइए। समझ में आया? ओके, हीट एक्सचेंज अभी भी दोनों के बीच में नहीं हो रहा, सोच के आराम से सॉल्व करो। इनिशियल और फाइनली अगर नहीं दिया रहेगा आप लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा। बॉडी क्या है अभी आपने बताया? नहीं नहीं नहीं, इनिशियल और फाइनली बॉडी इज इक्विलिब्रियम। आइसोबारिक प्रोसेस तो थर्मल प्रोसेस, हम सब करो। ये जो पिस्टन है ना, ये भी एरिया बैठ गया, सब कुछ एरिया बैठ गया। V1 V0/8 आया, 9 V0/8 और इसे चलो इसके लिए मोनोटॉमिक फ्लेवर कुछ नहीं है, मोनोटॉमिक फ्लेवर जरूरत नहीं है उसका। इनिशियली बॉडी इक्विलिब्रियम में था, फाइनली भी बॉडी इक्विलिब्रियम में। टेल मी वन सिंपल थिंग बिफोर वी गो इनटू दिस पार्ट। अगर सपोज कि फाइनली यहाँ पे प्रेशर आ जाता है P1 और यहाँ पे प्रेशर आ जाता है P2, इनिशियली बॉडी इक्विलिब्रियम में था, फाइनल में बॉडी कहाँ पे? मुझे बताओ, फाइनली बॉडी विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम और ओनली मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और क्यों सिर्फ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम? रीजन बहुत सिंपल है, अगर आप देखोगे वॉल क्या है, एरिया मटेरियल, तो दोनों के बीच में हीट एक्सचेंज होगा क्या? तो फाइनल टेम्परेचर दोनों का सेम रहना जरूरी है क्या? रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता, बट रहना जरूरी है क्या? बट कहना है ये पिस्टन मूविंग है,
अगर पिस्टन मूविंग है तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम दोनों साइड रहेगा. सो कैन आई से फाइनल प्रेशर ऑन बोथ द साइड्स विल बिकम सेम. सो कैन आई राइट दिस एज P1 विल बी इक्वल टू P2. इज दिस लॉजिक क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, इसके आगे देखते हैं. P1 विल बी इक्वल टू P2. अभी भी मुझे इसका वैल्यू नहीं पता, बट कैन आई से द वैल्यू ऑन बोथ द साइड्स विल रिमेन सेम. अब प्रेशर आप कैसे कैलकुलेट करोगे मुझे बताओ. मैं चेंबर कौन सा हीट कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड वाला या राइट हैंड साइड वाला? ये चेंबर को मैं हीट कर रहा हूँ. यहाँ से हीट कहाँ से, इस वॉल से या पिस्टन से एक्सचेंज हो रहा है क्या? तो पूरा हीटिंग प्रोसेस क्या है? एडा वैली है. जो भी हीट प्रोवाइडेड है वो पूरा हीट क्या है? एडा वैली. तो अगर एडियाबेटिक प्रोसेस है, कैन आई राइट इनिशियल, अब कैन आई राइट दिस एज पीवी रेशियो गामा विल बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट. पहले वाले का प्रेशर कितना है? V0. फर्स्ट का वॉल्यूम कितना है? V0 raised to gamma will be equal to, gamma को gamma ही रहने दो, ठीक है? Will be equal to final pressure of volume कितना है? V1. Second volume कितना दिया है? 9 by 8. Okay. And I write this as 9 by 8 into V0 raised to gamma. बराबर है ये? So, can I say V0 raised to gamma will get cancelled out on both the sides? So, P0 will be equal to 9 by 8 raised to gamma. बराबर है? Into P1. बराबर है ये? So, P1 का वैल्यू कितना आया? 8 by 9 raised to gamma into P0. क्या final pressure first side में आ गया? Second side का भी क्या रहेगा? So, P1 will be equal to P0 multiplication. Final pressure आ गया. मुझे क्या चाहिए? Temperature. अब इसका ये करते final temperature. दो तरीके से कर सकते हैं हम लोग. ओके, V1 by V2 is equal to T1 by T2 raised to gamma minus 1 divided by gamma. मूव कर सकते हैं. लुकिए, not at all. Can I say by the process simpler method? Can I say? मैं बताऊँ, यहाँ से क्या सेक्शन होगा क्या? Can I say number of points will remain? So can I say P0 V0 divided by P1 V1 will be equal to T0 divided by T1 बराबर है क्या? तो P0 इसको वैसे वैसे ले दो, V0 को भी वैसे वैसे ले दो. P1 P1 के जगह मैं क्या लिखूं? 8 by 9 raised to gamma into P0. और V0 V0 के जगह मैं क्या लिख दूं? V0 कितना था? ऐसा V1 कितना था? 9 by 8 into P0 बराबर, ऐसा 8 into V0 बराबर है. So it will be equal to, it will be equal to original value कितना था? T0 और ये value कितना था? T1. Can I cancel out? Can I cancel out? V not V not cancel out हो जाएगा. V not V not भी cancel out हो जाएगा. So over here, can I use the formula T1 will be equal to T1 cross multiply कर देते हैं. T not 8 by 9 raised to gamma minus 1. समझ में आ गया? This is logic clear. Gamma minus 1 किसने भाई? ये gamma है. ये क्या है? अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो 9 by 8 का क्या हो जाएगा?
नहीं मतलब आपने वॉल्यूम जो V1 लिया था हीटर है रिएक्शन वर्क को कर रहा है या रिएक्शन को मैंने रेसिप्रोकल ले लिया तो क्या हो जाएगा Yeah.
ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये नीट में आया था, आंसर लिखो। इजी क्वेश्चन मैडम, आप गैस फिल्ड इन अ चेंबर, kept horizontally, next one लोग वर्टिकल लेंगे, ठीक है? So kept horizontally, initial value P0 है, ठीक है? मैं बार बार नहीं वो नहीं दे रहा, ठीक है? is heated slowly, calculate the work done. Calculate the work done when the volume is doubled, its initial value, if the sides of the wall are conducting, ठीक है? Sides of the wall are conducting. क्या भाई conducting walls है? Conducting wall रहेगा. और initially और finally body क्या रहेगा? Equilibrium. नहीं दिया रहेगा तो हम लोग को assume करना पड़ेगा initially और body कहाँ पे रहेगा? Equilibrium. Draw the diagram. Horizontal cylinder, piston निकाल लो. हाँ सब कुछ conducting. Yes. वॉर्डन कैलकुलेट करना है, वॉर्डन ने लिखा एरिया ऑफ द पिस्टन ए रहेगा और सिलेंडर का डिस्टेंस ये तो डी ले लो कर साइड्स ऑफ द वॉल अभी कंडक्टिंग है यहां तक पहुंच गए पूरा चेंबर कंडक्टिंग ऐसे भी कोई भी एक भी साइड अगर वॉल कंडक्टिंग रहेगा हीट का ऑप्शन होगा इनमें स्लो हीटिंग प्रोसेस है कौन सा प्रोसेस है वो भी मैं आपको हिंट दे देता हूँ हो रहेगा तो सही है
मुझे बताओ बॉर्डर हम लोग को कैलकुलेट करना है इनिशियल प्रेशर एट एनी पॉइंट सो लुक हियर दैट द इनिशियल प्रेशर बी इक्वल टू पी नॉट इनिशियली बॉडी के हम लोग को अज्यूम करना पड़ेगा इक्विलिब्रियम में तो जैसे ही एवरीवन धन्यवाद तो पी नॉट इनिशियल प्रेशर है तो बाहर से भी प्रेशर कितना रहेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर सो इनिशियली पी नॉट विल बी इक्वल टू पी एटीएम जैसे मैं इसको हीट करूंगा sides of the wall are conducting yes or no बराबर है तो finally pressure और volume when I heat this slowly तो finally भी pressure और volume क्या हो जाएगा pressure और temperature क्या हो जाएगा same अब यहाँ पे दोनों constant है तो warm up के लिए मैं constant pressure का formula apply करूँ या constant volume क्या है दोनों का दोनों apply करेंगे हम लोग अब यहाँ पे देखो लॉजिक क्या लगता है यहाँ पे देखो मुझे बताओ क्वांटम का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है एन एक्सपांडिंग का गैस इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्सटर्नल इनटू कैनन एट डीएक्स या फिर इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे आ जाएगा डी इनटू डीपी बराबर है अब यहाँ पे देख लो एवरीवन ओके पी एक्सटर्नल मुझे बताओ अगर गैस एक्सपांड हो रहा है तो अंदर का प्रेशर ज्यादा है या बाहर का प्रेशर ज्यादा है So, can I say, अभी मुझे बताओ P external या फिर force. So, मुझे बताओ यहाँ पे will you calculate the force? Suppose कि correct है. So, can I write this part as? अंदर का pressure let it be equal to P1. अंदर का pressure let it be equal to P1. ये या फिर P not ले लिया तो चलो P1. Can I write internal pressure plus if I want to expand the gas, I have to apply an external force. एक्सटर्नल फोर्स कहां पे रहेगा राइट में या लेफ्ट में सो कैन आई राइट पी नॉट प्लस एफ एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय ए विल बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा प्रेशर एक्ट हो रहा है यहां तक लॉजिक समझ में आ गया सो कैन आई राइट दिस एज पी नॉट प्लस पी एक्सटर्नल इक्वल टू पी एटीएम बराबर है ये ओके अब मुझे बताओ इंटीग्रेशन में क्या आता है पी एक्सटर्नल तो पी एक्सटर्नल का वैल्यू क्या हो जाएगा पी एक्सटर्नल विल बी इक्वल टू पी एटीएम माइनस पी नॉट बराबर है ये तो मुझे लेट अस इंटीग्रेट दिस पार्ट लेट अस चेक द वैल्यू इज इक्वल टू पी एटीएम माइनस पी नॉट इनटू डीवी वन इंपॉर्टेंट थिंग इज दोनों को हम लोग पहले सेपरेट कर लेते हैं दोनों का अलग अलग से इंटीग्रेशन कर लेंगे minus integration of P naught into dV. Okay. P is the internal pressure. Okay. So tell me one simple thing. It's ATM. ATM constant hai ya variable hai? Constant. Agar constant hai, toh it will remain P ATM. The integration ke baar aajega, ye show jayega V2 minus. Internal pressure. Whenever I am heating this gas, agar aap dekhoge internal jo pressure hai, this gas is heated at a constant. Kya? अभी आपने बताया था अगर बाहर से कांस्टेंट ये हो रहा है तो कांस्टेंट टेंपरेचर तो सीधा उसका जो वैल्यू है उसको पूरा सब्स्टिट्यूट करने से अच्छा मैं सीधा एनआरटी लॉग वी2 बाय वी1 लिख दूं बराबर है दिस इज द टोटल प्रेशर दैट इज एक्टिंग ओके और लास्ट में हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेंगे पी एटीएम पायलट वॉल्यूम कितने टाइम्स किया टोटल तो कैन आई राइट दिस इज 2 टाइम्स वी नॉट ठीक है 2 वी नॉट माइनस वी नॉट कितना हो जाएगा माइनस लॉग एनआरटी आई थिंक सो ये टू टाइम्स ही है ना
log 2. Is this logic clear to everyone? Okay, in short, अगर पिस्टन मूविंग रहेगा तो हम लोग को कॉन्स्टेंट प्रेशर का भी कंसिडर करना पड़ेगा एंड कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. आपको राइट हैंड साइड वाला पार्ट आगे लेफ्ट हैंड साइड वाला आपने कंसिडर नहीं किया था. दोनों का एडिशन एक्सटर्नल प्रेशर से होता है. दोनों का एडिशन किए नहीं होता. V नॉट और एक्सटर्नल प्रेशर का एडिशन किए नहीं होता. ऑब्वियसली ये प्रेशर यहाँ पे एडिशन तो मुझे सिस्टम को राइट में मूव करता है. इंजन का दोनों रेस्पेक्ट है. इस बार का राइट में मूव करने से मुझे सिस्टम को राइट में अप्लाई करना पड़ेगा. सो टोटल फोर्स इन द राइट विल बी कॉल्ड द टोटल फोर्स. एक्सटर्नल नहीं तो सिस्टम को डायरेक्शन बाहर ही सिस्टम को मैं बाहर खींच सकता हूं. वाटर के लिए सिर्फ हम लोग कौन से फोर्सेस लेते हैं या कौन सा प्रेशर लेते हैं? एक्सटर्नल इंटरनल नहीं लेते. ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन उस पे डिपेंडेंट है. सो थोड़ा सा ध्यान से लिखो. ध्यान से लिखना. थोड़ा सा टफ समय पर ध्यान रखना. वॉल्टन से कौन सी फोर्स के वजह से होगा? एक्सटर्नल फोर्स. एंड नाउ इफ द पिस्टन एंड द वॉल्स ऑफ द चेंबर आर एडियाबेटिक. द पिस्टन एंड वॉल्स ऑफ द चेंबर आर एडियाबेटिक. द मास ऑफ द पिस्टन is capital M. The mass of the piston is capital M. And its area, cross-section area, and its cross, the mass of the piston and area is capital M. Here mass capital M area kya hai? Area A. Cross-section area A. If the temperature of standard value here, spring constant, temperature, spring constant, height of the cylinder, matlab from the base, initially is equal to capital T,
कैपिटल के और एच, आपको सब कुछ ये टर्म्स में ही चाहिए, ठीक है, कैपिटल टी कैपिटल के एंड एच, स्प्रिंग कॉन्सेप्ट में कैपिटल के ले रहा हूं, कैलकुलेट इनिशियल या इनिशियल कैलकुलेट ए, ए लिखो नंबर ऑफ मोल्स, ए नंबर ऑफ मोल्स व्हेन द पिस्टन वाज इनिशियली अनस्ट्रेच्ड, ए व्हेन द पिस्टन वाज इनिशियली अनस्ट्रेच्ड, थोड़ा सा टफ है ये सब, ध्यान से देखो, इसको भी दो मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, वर्क एनर्जी थ्योरम से भी आप सॉल्व कर सकते हो, एंड अदरवाइज डायरेक्टली इंटीग्रेट द वर्क, ठीक है, देखो वर्क डन व्हेन, वर्क डन व्हेन द गैस इज हीटेड सच दैट, वर्क डन व्हेन द गैस इज हीटेड सच दैट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन, the displacement of the piston is d, the displacement of the piston is d, also also calculate the final temperature, sab ye terms mein hi chahiye hum logo ko, theek hai, hum logo ko p not v not wagera kuch nahi diya hai, so mujhe batao अभी ये पिस्टन वर्टिकल है, ठीक है, सिलेंडर वर्टिकल है, ठीक है, चाहिए तो ले दो, और भी सिलेंडर इज वर्टिकल, सिलेंडर वर्टिकल ले लेना, ऊपर से टच है, एवरीवन लुक हियर, थोड़ा सा टफ टफ सा नहीं है, सो इफ आई कंसीडर एक सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर पिस्टन है, पिस्टन इज कनेक्टेड विद द हेल, इससे पहले मैं पूरा निकाल देता हूं, पिस्टन इज कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ अ स्प्रिंग, पिस्टन का मास कितना दिया है m, ओके, और एरिया a है, और इनिशियल हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना है h, स्प्रिंग कांस्टेंट k है, इनिशियल स्प्रिंग स्ट्रेच है क्या, नहीं, ठीक है, थोड़ा सा टफ सम है, मुझे बता दो यहां पे इनिशियली अगर स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड है, सो इनिशियली पूरा बॉडी इक्विलिब्रियम है, टोटल अपर फोर्स इज इक्वल टू टोटल, ध्यान से देखो क्या अभी मानता हूँ फोर्सेस इनिशियली, तो पहले मैं निकाल देता हूँ, तो अपर फोर्स कितना कितना है, अभी फटाफट बता दो, इनिशियल क्या है, अपर फोर्स क्या है, इवन अपर है, और डाउनवर्ड फोर्स एमजी अपर है, डाउनवर्ड प्रेशर, और कौन सा है, एक्सटर्नल, सर पीएटीएम नीचे एक्ट हो रहा है, इनिशियल टोटल अपर फोर्सेस इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस, आप कैसे कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स पी एटीएम में चाहिए मुझे, पी वन पी टू के टर्म्स में नहीं चाहिए, इनिशियली स्प्रिंग स्ट्रेच नहीं है, तो स्प्रिंग स्ट्रेच नहीं है तो इनिशियली स्प्रिंग फोर्सेस फिट भी नहीं होंगे, ठीक है, सो टेल मी टोटल अपर फोर्स, इनिशियली पूरा सिस्टम बैलेंस था, तो टोटल अपर फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्सेस कौन से कौन से, पी वन प्लस एम जी बाई ए, और अपर फोर्स कौन सा है, पी एटीएम प्लस एम जी बाई ए, PATM plus NG by A, और अपर फोर्स कितना है P1, ये लॉजिक सबको समझ में आया, ओके, इसके आगे नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, बराबर है, इन्हें सॉल्व करना है, सॉल्व करना है राइट, P1 V1 then be equal to NR into T, ओके, इसके आगे नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, तो इनिशियल टेम्परेचर कितना है इनिशियल टेंपरेचर दिया हो, बट उन्होंने P1 और V1 के टर्म्स से मुझे आंसर नहीं चाहिए, तो P1 को मैं क्या लिखूं, डोंट राइट P1 के जगह पे मैं क्या लिखूं, PATM प्लस MG डिवाइडेड बाय A, वॉल्यूम कितना लिखूं, करेक्ट है, एरिया इनटू हाइट, सो एरिया कितना है इसका, A, हाइट कितना है h, सो कैन आई राइट दिस एज A इनटू h विल बी इक्वल टू अगेन r इनटू t, t मुझे चाहिए तो इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ, और सर एन चाहिए तो यहाँ पे कह रहा है राइट दिस पार्ट एज एन इज इक्वल टू, बस इससे डिवाइड हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू पी एटीएम
plus mg divided by a into ah divided by r into t. Is this logic clear? Okay. ये first वाला part तो easy था. Second part किसे solve करोगे आप? मैंने ये gas को heat किया है till the displacement in the spring becomes d. इसको कैसे solve? Do not read. मुझे बताओ. बॉर्डर का until leaves some space. ध्यान से देखो. बॉर्डर का यहाँ पे formula क्या रहेगा? Bounded by the gas. Can I say external force into dx? Yes. External pressure into dv या फिर external force into dx? तो सिर्फ external forces रहेंगे, internal forces रहेंगे. External gas को slowly heat किया या quickly heat किया? Sides of the wall adiabatic है या adiabatic है? तो temperature का तो मुझे कुछ करना लेना देना नहीं है. कौन सा equilibrium से मुझे concern है यहाँ पे? Mechanical. Thermal equilibrium जरूरी है क्या? और एटीएम फिलहाल के लिए इनिशियल, पर जैसे जैसे ये पिस्टन ऊपर, जैसे मैं इसको हीट करता हूँ, ये पिस्टन ऊपर जाएगा, स्प्रिंग कंप्रेस होते जाएगा, और स्प्रिंग का फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? इक्वल टू केएक्स, नेगेटिव साइन में नहीं लेगा केएक्स. जैसे जैसे स्प्रिंग कंप्रेस होते जा रहा है, मुझे बताओ ये एक्स का वैल्यू चेंज हो रहा है, कॉन्स्टेंट है, चेंज हो रहा है, चाहे इंक्रीज हो डिक्रीज हो भी, पर चेंज हो रहा है. तो चेंज हो रहा है तो फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है? तो कैन आई से एवरी पॉइंट द फोर्स एक्सटर्नल इज कांस्टेंट और वेरिएबल? अब यहां पे देख लेते हैं, सेम डायग्राम में और एक बार दिखाता हूं, बट नाउ द स्प्रिंग विल बी कंप्रेस्ड. ओके, डू नॉट राइट. ओके, यहां पे देख लो. सो ओवर हियर कैन आई से कि स्प्रिंग को मैंने कर दिया है कंप्रेस. लेट अस से कि इनिशियली स्प्रिंग यहां पे था and it has been compressed by x. ये distance कितना था? वो final है. मैं एक general value बोल रहा हूँ. ये कितना है h? ये final extension नहीं है. मैं एक zero से लेके spring कहाँ से कहाँ तक compress हो रहा है? Zero से लेके d. उसके बीच में मैं एक center point ले लेता हूँ x. Variable है. मैं directly integrate नहीं कर सकता ना, मुझे formula substitute करना पड़ेगा. मुझे बताओ ये वाले केस में external forces कितना act हो रहा है? आप देखते हैं, ठीक है, सेम फोर्सेस है, तीन है या चार है, देख लेंगे. ठीक है, पहले वाला लुक है mg / a, नीचे रहेगा p एक्सटर्नल है या नहीं है? है. ये कौन सा है? एटमॉस्फेरिक, करेक्ट है. ये भी डाउनवर्ड है. स्प्रिंग को मैंने कंप्रेस किया या एक्सपेंड किया? कंप्रेस है. तो स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है? फोर्स का मेरे ऊपर या नीचे? कैन आई से स्प्रिंग फोर्स fs लिख देता हूं. ये लिटरल में डाउनवर्ड डायरेक्शन. अपर फोर्स कितना रहेगा? प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू p. अब यहां पे फार्मूला देखो, अब मैं फोर्सेस में लिख देता हूं. ये तो मैंने क्या लिखा है? अब ये p a t m mg / a, ये सब क्या? ये फोर्स है, बाकी दोनों कौन से? प्रेशर. एना राइट डाउन. ओके, वर्क डन. कितने फोर्सेस लिखे मेरे? चार. कैन आई राइट दिस एज इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स चाहिए मुझे. सो प्रेशर को आप क्या मल्टीप्लाई करोगे? एरिया. ठीक है, ये कहां पे एक्ट हो रहा है? डाउनवर्ड. प्लस कैन आई राइट mg प्लस कैन आई राइट fs इनटू dx. मैं प्रेशर ऑफ द गैस लूंगा क्या? क्यों? ये वो फोर्सेस कौन से रहेंगे? सेंटर ऑफ फोर्सेस रहेंगे क्या? चलिए लेट अस इंटीग्रेट दिस पार्ट. क्या होता है?
ये भी बाहर आ गया तो इंटीग्रेशन सिर्फ किसका हो जाएगा dx बराबर है प्लस पास पास ऑफ द पिस्टन कांस्टेंट ही वेरिएबल है पास ऑफ द पिस्टन ऑप्शन जी सो यहां पे भी सिर्फ इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा dx स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट ही वेरिएबल है वेरिएबल देन आई राइट दिस एज kx * dx बराबर है चलो लेट अस इंटीग्रेट इंटीग्रेशन एकदम सिंपल है इसका p atl * a dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x x का लोअर लिमिट कितना है अपर लिमिट कितना है 0 से d प्लस mg सिमिलरली यहां पे भी क्या हो जाएगा 0 से लेके x x का इंटीग्रेशन नहीं इंटीग्रेशन क्या होता है x का डिवाइडेड बाय स्क्वायर x हाफ k x स्क्वायर लिमिट का स्क्वायर रहेगा 0 से लेके इज दिस लॉजिक क्लियर टू एवरीवन ये पूरा यहां पे आ गया आपको इंटीग्रेट करना आपको डी का वैल्यू सब ये गेट द आंसर वन मोर थिंग प्रिपेयर वन मोर थिंग दैट इज थर्ड चीज मुझे क्या चाहिए क्वेश्चन में क्या लिखा है फाइनल टेंपरेचर पहले करते हैं फाइनल टेंपरेचर सर स्मॉल भी यही वॉल्यूम यहां पे कितना हो गया पहले वॉल्यूम कितना था a into h अब a into h plus d v1 मीटर होगा p initial initial pressure kitna tha yahan pe maine likha hai yahan pe p1 is equal to p atm plus mg by a final pressure kitna rehta into rehta so kya rahega f ka ek factor add ho jayega aur ye sab kya rahega same p1 pe to pata hai b1 pe to pata hai t1 agar t p diya hai final temperature aa jayega this is logic clear aaram se solve karo final temperature mujhe bata do kya hai aaram se solve karo make your time सॉल्व दिस आराम से अब मुझे फाइनल टेंपरेचर बता दो कितना है आराम से सॉल्व करो नाइट में डायग्राम निकालो हो गया तो बस मुझे आंसर बता दो ठीक है
यहाँ पे भी अगर कंडक्टिंग रहता था बॉल्स, हम लोगों को थर्मल वाला भी देखिए सॉल्व करना पड़ता था। सिर्फ पीएटीएम नहीं रहता था, यहाँ पे देयर विल बी एक्सटर्नल फोर्स एंड द टेंपरेचर विल रिमेन सेम, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। अब मूविंग भी है, मूविंग भी है और मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम भी है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी है। क्या समय वही किया था, दोनों था, पीएटीएम भी लिया मैंने और कांस्टेंट टेंपरेचर वाला भी किया। अगर फाइनल टेंपरेचर आ गया तो बता दो मुझे। और
So, not going to proceed with the new chapter, I think so. Module to some people are same here. It's a module. Final answer. So यहाँ पे अगर आपको final answer चाहिए तो ठीक है। P1 का value कितना था? मुझे P1 का value बता दो। ये Right. Mg divided by K. Original temperature T था, final temperature T2 पता नहीं, so final pressure जो है, it will be PATM, ये तो रहेगा ही, plus Mg by ये भी रहेगा, plus K. Can I say spring force addition act होगा? तो KD का एक final कितना रहेगा? K into X के जगह पे K into T. और ये रहेगा area H plus D. Correct है? बस final formula है इसमें एक second ना. बस ये यहाँ पे cancel out हो जाएगा. And this will be the final answer. Okay? KD into KD by K आ जाएगी. Pressure चाहिए ना? KD divided by A आ जाएगी. So, अगर आप इसको और सिंपलीफाई करते हो ये कैपिटल एम ही है अगर ऊपर कैपिटल एम लेना है दिस विल आल्सो बी कैपिटल एम ओके क्या है आंसर दिस इज क्लियर टू एवरीवन सो बॉडी ओपन कर लो ऑफिस बेंच पे एक बेंच पे एक मॉड्यूल यहाँ पे लिखते हैं
सीटी में से सीटी पार्ट ओपन कर लो, हम लोग फटाफट देख लेते हैं कौन सा चैप्टर आपको टफ लग रहा है उसके हम लोग लास्ट थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, चलो थर्मोडायनेमिक्स ओपन कर लो। ये ओपन थर्मोडायनेमिक्स, पहले इसके डाउट्स वगैरह जो भी है मैं क्लियर कर लेता हूँ। थर्मोडायनेमिक्स में सीटी पार्ट ओपन कर लो, थर्मोडायनेमिक्स में सीटी पार्ट ओपन कर लो। 1 टू 10 में कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो पूछ लो। 1 टू 10 आपने मार्क किया रहेगा, है लास्ट में, ठीक है, ओके। सीटी में 1 टू 10 में कोई भी डाउट है तो पूछ लो। थर्मोडायनेमिक्स में सीटी में 1 टू 10 में कोई भी डाउट है तो पूछ लो। So, seventh question, everyone, okay. Quantity, look here. Seventh, देखने पहले, a thermodynamic system has state P1, P2, okay. Quantity which will remain same will be equal to, okay. Okay, everyone, look here. So, in this case, In this case, initial अगर आप देखोगे initial pressure P1 है, initial pressure P1 है, तो temperature T1 ले लेता हूँ, initial final pressure P2 है, temperature T2 ले लेता हूँ। Look here, even if seventh question है, even if the body goes under two different thermodynamic processes, initial और final temperature body का क्या है? तो कह रहे हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट, बराबर है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। डेल्टा क्यू का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो मुझे बताओ डेल्टा यू कांस्टेंट है, डेल्टा यू का वैल्यू क्या होता है? डेल्टा क्यू माइनस डब्ल्यू, बराबर है। तो कौन सा क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगा? डेल्टा क्यू माइनस डब्ल्यू, दिस क्वांटिटी विल रिमेन कांस्टेंट। इज दिस लॉजिक क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है ये? सेवन और नेक्स्ट कौन सा है? टेन, एट, ओके। सो एट क्वेश्चन में दिया है इन अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस द प्रेशर ऑफ अ फिक्स, ओके, सो द प्रेशर ऑफ अ फिक्स मास ऑफ अ गैस इन इज चेंज इन सच अ मैनर दैट द गैस रिलीज 20 जूल्स ऑफ एनर्जी। सी अगर गैस रिलीज कर रहा है तो डेल्टा क्यू का वैल्यू क्या रहेगा? इंटरनल एनर्जी इफ द इनिशियल इंटरनल एनर्जी यू वन दिया है, यू वन कितना दिया है? 30 जूल। सो देन कैलकुलेट द फाइनल इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, तो यू टू पूछा है। बताओ फॉर्मूला क्या सब्स्टिट्यूट करोगे आप? इजी है, डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू डेल्टा यू प्लस, डेल्टा क्यू का वैल्यू कितना दिया है? -20, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू का वैल्यू -8, ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू -8। इंटरनल एनर्जी कितने से चेंज हो रहा है? ये राइट में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये -12 जूल, राइट, तो U2 माइनस U1, U1 का वैल्यू कितना है? 30 इज इक्वल टू 12, U2 का वैल्यू क्या है? सॉरी -12, ये 30 माइनस 12 क्या हो जाएगा? 18 जूल। तो ये आंसर, बोलिए क्या डाउट है? 10th क्वेश्चन, बबल, ओके। सो यहाँ पे लिखिए 10th क्वेश्चन में, यू कैन राइट दिस डाउन साइमल्टेनियसली, ठीक है, जो जिसको भी डाउट है आप लिख सकते हो। यहाँ पे बबल दिया है विच इज एट द बॉटम ऑफ अ टैंक, ठीक है, इसका वॉल्यूम कितना है? मैं V1 ले लेता हूँ, V1 कितना है? V0। यहाँ पे प्रेशर कितना रहेगा? आई कैन से दैट देयर विल बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर फ्रॉम द टॉप प्लस
Since yes, since it is at a depth, it will be equal to rho g h. Clear hai? Okay. When this bubble is taken on the surface, so look here, Pranav talks. When this bubble is taken on the surface, T2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? टेम्परेचर शायद से कांस्टेंट दिया है, राइट? तो ये तो पूछा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो P1 P1 इज इक्वल टू शुड कलर आंसर मुझे और क्वांटिटी टर्म में और कोई नहीं है ओके 10 to 20 11 जिसको भी चाहिए साइमल्टेनियसली लिखते जा सकते हो ठीक है 11 ओके ओके 11th में दिया है 1 मोल ऑफ O2 हैज अ वॉल्यूम 22.4 एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर वॉल्यूम दिया है 22.4 लीटर मैं कन्वर्जन नहीं कर रहा कन्वर्जन आप बाद में कर लो प्रेशर दिया है 1 एटमॉस्फेयर टेंपरेचर दिया है टेंपरेचर 0 डिग्री सेल्सियस दिया ठीक है is compressed isothermally into the air into the air 11.2 final Bogdan question Bogdan ka formula kya rahega Bogdan ka formula nrt log v2 by v1 number of moles wagera nahi chahiye kya rahega this is p1 v1 log v2 divided by v1 option ka answer aa jayega even or v1 dono diya और नेक्स्ट 12th क्वेश्चन में रिजल्ट तो क्या 12th क्वेश्चन में एवरीवन सो ओवर हियर सर आरडी की जगह पी1 अच्छा पी1 जो है या पी2 पी2 दो दो था कुछ भी सर ओके नाउ 12th क्वेश्चन इन द फॉलोइंग पीवी ग्राफ टू एडियाबेटिक ग्राफ्स कट आइसोथर्मली cut to isothermal at T1 is equal to 300 Kelvin and T2 is equal to 200 Kelvin. Again. So A से B में, okay. A से लेके B ये जो process है, यहाँ पे 300 Kelvin पे और ये वाला process कितने पे? 200 Kelvin. अब उन्होंने V1, V2 वगैरह चार इन values दिए हैं. Calculate VD. तो उन्होंने अलग अलग पॉइंट पे दिया है ये ए दिया है ये बी दिया है दिस इज सी एंड दिस इज डी तो वी ए का वैल्यू दिया है 2 यूनिट्स बी बी दिया है 8 बी सी दिया है 16 बी डी पूछा है ओके 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 सो आई विल कैलकुलेट दिस वैल्यूज ए से बी आइसोथर्मल प्रोसेस है बी से सी एडियाबेटिक प्रोसेस है और सी से डी आइसोथर्मल है वापस तो ये ग्राफ देख के पता चल गया क्या दिया है क्वेश्चन सो ए से बी अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है सो लुक हियर थोड़ा सा अलग है ये सब अच्छा क्वेश्चन है बट एरिया टर्म कॉम्पोनेंट ऑफ दिस पार्ट अब यहां पे लिख देते हैं ए से डी आइसोथर्मल प्रोसेस है सो अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है कैन आई राइट पी ए विल बी इक्वल टू पी बी पी बी बराबर है ये तो इन दिस केस Can I write this part as ये 200 Kelvin दिया है ऊपर वाले 300 दिया है bottom वाला 200 दिया है ठीक है so can I write this part as P A का value मुझे पता नहीं let it be equal to P naught मैं यहाँ से start करता हूँ V A कितना दिया है 2 units P B पता नहीं और V B V B कितना दिया है 8 units तो P B का value क्या आ जाएगा P naught divided by 4 बराबर है ये यहाँ तक logic समझ में What about this process B to C? या कैसे सॉल्व करेंगे? Okay, adiabatic का formula
यहाँ दिया है क्या गैस दिया है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया ओके और कैसे फाइट करेंगे हम यहाँ कोऑर्डिनेट ओके यहाँ पे दो अननोन आएंगे एवरीवन ओके सो कैन आई से अगर एडियाबेटिक प्रोसेस है ओके अगर एडियाबेटिक प्रोसेस है ए से डी भी एडियाबेटिक है और बी से सी भी एडियाबेटिक है सो कैन आई से प्रेशर एट ए डिवाइडेड बाय प्रेशर एट डी आंसर एक बार इज इक्वल टू कैन आई से प्रेशर एट बी डिवाइडेड बाय प्रेशर एट सी ये बराबर है या नहीं है ये बराबर है या नहीं वो पहले मुझे बता दो कैसे ओके कह रहे से ए से डी भी एडियाबेटिक प्रोसेस और बी से सी भी एडियाबेटिक प्रोसेस इनिशियल और फाइनल टेंपरेचर दोनों का क्या है ए से डी प्रोसेस का इनिशियल टेंपरेचर कितना है 300 फाइनल टेंपरेचर कितना है 100 इसका बी से सी का कितना इनिशियल 300 और फाइनल कितना है सो ओवर हियर इफ आई कंसीडर दिस पार्ट ठीक है इफ आई कंसीडर दिस पार्ट तो मुझे बताओ पीए बाय पीवी एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए गामा वगैरह फाइंड करने की जरूरत नहीं है वैसे मुझे बताओ टेंपरेचर पे क्या डिपेंडेंस है बताओ T1 divided by TA divided by TD ले लो या कुछ भी ले लो रेस तो क्या gamma minus one divided by gamma बराबर है पर ये जो भी है कह रहा है इसे TA अगर ये TA by मैं और थोड़ा सा इसको elaborate करके लिखता हूँ can I write this part as जो भी यहाँ पे relation है relation अगर आपको याद भी नहीं रहेगा फिर भी चलेगा look here So PA by PD, do not talk, is equal to TA divided by TD raised to gamma minus 1 divided by gamma, correct? And similarly, PB divided by PC is equal to TB divided by TC raised to gamma minus 1 divided by gamma. This is a good question. But TA by TD or TB by TC, both are the same. So can I say PA by PD is equal to PB by PC? This logic has come to understand. Let us continue. So over here, अब यहाँ पे देखो, ठीक है? ये वाला logic समझ में आया? अब यहाँ पे देखते हैं, अच्छा question है। So look here, P A P A का value कितना है? P naught? So over here ये P naught है, P D पता नहीं, P B P B का value कितना था? P naught divided by P C. तो P not क्या हो जाएगा cancel out so P D will be equal to 4 P यहाँ तक clear है last D C S T कौन सा process है isothermal so P D V D is equal to P C V C बराबर है P D का value कितना लिखूँ मैं 4 P D V D का value मुझे calculate करना है और V C का value कितना लिया इसी का वैल्यू दिया है 16 16 का वैल्यू कितना आ जाएगा क्लियर है समझ में आया क्वेश्चन बोलो क्या डाउट है क्वेश्चन ये वही बस ये सब क्वेश्चन पूछते हैं आपको एग्जाम में कहां से नहीं समझे हो सकता मैं आगे पर बता देता हूं पीए बीबी बीसी का वैल्यू दिया बीडी का वैल्यू क्वेश्चन पहले तो मैं यहाँ पे ए से बी प्रोसेस देखता हूँ कौन सा दिया है क्लियरली आइसोथर्मल दिया तो पी वन बी वन इज टू पी टू बी टू पी ए बी ए इज टू पी बी 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 तो मैंने वैल्यू मैंने पी ए का वैल्यू पी नॉट लिया जो भी है इंटू टू पी ए टू दिया था ये बी बी एट दिया था तो पी बी का वैल्यू पी नॉट में समझ में आ गया उसके बाद पी ए डिवाइडेड बाई पी डी विल बी इक्वल टू पी बी डिवाइडेड बाई पी सी ये दोनों के एंड इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर क्या है सेम तो अगर आइसो अगर एडियाबेटिक प्रोसेस में इनिशियल और फाइनल टेंपरेचर सेम है तो रेशियो भी क्या आ जाएगा यहां तक समझ गया इसके आगे तो मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया पीए का वैल्यू कितना सब्स्टिट्यूट किया पी नॉट पीडी का वैल्यू पता नहीं पीबी का वैल्यू कितना सब्स्टिट्यूट किया यहां से उठाया मैंने पी नॉट डिवाइडेड बाय और पी सी ये कैंसिल आउट हो गया पीडी का वैल्यू क्या आ गया 4 पी सी ठीक है लास्ट में आई हैव सब्स्टिट्यूटेड द आइसोथर्मल प्रोसेस फॉर दिस पीडी वीडी Divided by PCDC, so the answer. समझ में आया? ये क्वेश्चन अच्छा है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? Next question number.
17th में पीटी ग्राफ दिया है, वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज टेकन फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम बी टू सी एंड बैक टू ए, द वेरिएशन ऑफ इट्स वॉल्यूम विद इट्स टेंपरेचर फॉर द चेंज इज एज शोन, इट्स प्रेशर एट ए इज इक्वल टू पी नॉट, वॉल्यूम इज इक्वल टू पी नॉट इन द इंटरनल एनर्जी. ओके, मुझे बताओ इंटरनल एनर्जी सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड करेगा, किस पे? बार बार एक ही चीज रिपीट किया, किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर. ए और बी पॉइंट अगर आप देखोगे एक्स एक्सिस दोनों का सेम है ना, तो दोनों का टेम्परेचर क्या है? तो यहाँ पे क्या रहेगा? इंटरनल एनर्जी पॉइंट ए पॉइंट बी इज और 20 है. ओके, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड टू अ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस व्हिच एक्सपांड्स एट कांस्टेंट प्रेशर, what fraction of the heat energy is converted into work? अच्छा क्वेश्चन है. ओके, कांस्टेंट प्रेशर पे एक्सर्ट एक्सपांड हो रहा है, तो अगर कांस्टेंट प्रेशर पे एक्सपांड हो रहा है तो वर्कडन का फार्मूला क्या रहेगा? इट विल बी इक्वल टू w इक्वल टू p into delta v बराबर है. सो अब यहां पे उन्होंने पूछा है मोनोएटॉमिक गैस है, ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर पे मैंने आल्सो अप्लाई द फार्मूला एन सीपी डेल्टा थीटा, अगर डेल्टा टी या डेल्टा थीटा बराबर है. ओके, सो दिस इज द वर्क. ओके, दे हैव आस्क्ड व्हाट अमाउंट ऑफ, क्या पूछा क्वेश्चन का, पूछा व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू वर्क, तो वर्क डिवाइडेड बाय हीट पूछा है. ओके, आई विल लाइक कंटिन्यू विद दिस वन, पी डी वी पी डेल्टा वी बाय एन सीपी डेल्टा टी. वेल डन, divided by, so ये Q आता है, heat energy का ऊपर वाला W है, नीचे वाला Q आ जाएगा, correct है? Okay, ऊपर वाला W है, नीचे Q आ जाएगा, तो Q को मैं क्या लिख दूँ? N C P delta T. Okay, इसके आगे क्या लिख सकता हूँ मैं? ये दोनों तो cancel out नहीं होंगे, तो इसके आगे अब मैं solve this further. W को मैं क्या लिखूं? Q माइनस डेल्टा U लिख दो, डिवाइडेड बाय डेल्टा Q. ओके, विच इज इक्वल टू 1 माइनस डेल्टा U डिवाइडेड बाय डेल्टा Q, करेक्ट है? अब यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है या कांस्टेंट प्रेशर पे होता है? वॉल्यूम. सो यहाँ पे दिस इज इक्वल टू Cv, दिस इज इक्वल टू Cp. तो लास्ट स्टेप है, कौन सा गैस लिया? मोनोएटॉमिक डायटॉमिक, वन डिवाइडेड बाय सीपी बाय सीपी क्या हो जाएगा? गामा. दोनों एटॉमिक गैस के लिए क्या रहेगा? फाइव डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा? क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं, 2/5 का रेशियो, 0.4 है आंसर या 2/5 ऐसा कुछ करेगा. 2/5. दिस इज लॉजिक क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है? ओके, और नेक्स्ट हो गए 22 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
सी दिया है 37,300 केल्विन,
ओके व्हाट हीट शुड इट कंज्यूम पर सेकंड टू डिलीवर अ मैकेनिकल वर्क वर्क दिया है 1 किलोवाट ठीक है एवरीवन देखो तो क्यूएच पूछा है ठीक है तो देखिए वाटर दिया है 1 किलोवाट कार्नोट साइकिल है कार्नोट साइकिल रहेगा देन हमें क्या कन्वर्ट दिस वैल्यूज इनटू द क्यूएच एंड क्यूसी एफिशिएंसी का फार्मूला क्या है efficiency is equal to 1 minus T C by TH is equal to and I say W divided by QH okay 1 minus TC TC का value कितना है 3 by 7 water कितना दिया 1 divided by QH QH का value कितना हो जाएगा 7 by 4 ठीक है शायद से answer उन्होंने पूछा है calorie में दिया है कैलोरी में कैसे कन्वर्ट करिए तो जूल में आ गया कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 4.2 डिवाइडेड बाय 4.2 एंड विल गेट द आंसर ठीक है कुछ जितना भी चाहिए लिख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन 20-30 में और कोई है बदलो किसको करना होता है क्वेश्चन 10 क्वेश्चन नंबर ये द प्रोसेस डेल्टा यू फॉर द गैस कैन बी बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय ओके एवरीवन अगर डेल्टा यू जीरो है तो इंटरनल एनर्जी सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड करेगा कौन किस पे टेंपरेचर Can I say, अगर delta U zero है initial और final temperature क्या रहेगा same ठीक है initial और final temperature क्या रहेगा यहाँ पे same तो अगर initial और final temperature same है तो can I say isothermal process हो गया और isothermal process के लिए PV graph ऐसे आ जाएगा so ये वाला part आ जाएगा और बताओ ओके और 10-20 नीट 10-20 पूछो जो भी राउंड है 16 ओके साइक्लिक प्रोसेस है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा जीरो तो मुझे बताओ द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी इन द प्रोसेस ए टू बी ठीक है अब मुझे बताओ पूरे साइक्लिक प्रोसेस के लिए द वर्क डन और द वर्क डन ऑन द गैस बिटवीन बी टू ए के लिए वर्क डन कितना रहेगा 30 और ए टू बी कितना दिया है 20 ओके वर्क डन बिटवीन एवरीवन ओके वर्क डन बिटवीन बी टू ए इज 30 एंड बिटवीन ए टू बी
heat absorbed by the gas between A to B is 20. The change in internal energy of the gas in the process A to B. ठीक है, इंटरनल एनर्जी आप कैसे कैलकुलेट करोगे? बाउंडर बिटवीन ए टू बी, ओके, हीट एनर्जी प्रोवाइडेड इज कॉल्ड चेंज इन एनर्जी, इंटरनल एनर्जी प्लस बाउंडर. पहले ए टू बी में बाउंडर दिया है तो हीट एनर्जी कितना प्रोवाइड किया रहेगा? ए टू बी में मैंने इसे कितने का हीट एनर्जी प्रोवाइड किया है? दिस इज वन, दिस इज वन. पहले मैं पूरा अलग अलग से फाइंड करता हूं. 2 प्लस w2, सो a से b में कितना दिया है? 30, और b से a में दिया है 30. हीट एनर्जी प्रोवाइडेड टू द सिस्टम बिटवीन बी पॉजिटिव, सॉरी बाउंडर ऑफ द सिस्टम है, बाउंडर ऑफ द सिस्टम क्या रहेगा? नेगेटिव. और ओके, एंड द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इज 20 जूल. तो a से b में हीट एनर्जी दिया है 30 से 30. Eight twenty to thirty. Volume by the gas during the cycle. So, area under the graph देखेंगे. Triangle है ना? Triangle का area क्या होगा? Half base into height. Base है 2V1. Height है 2V1. Base देखो ना. 3V1 minus V1 है. 2PV1 हो गया. और height कितना है? 2V1. और 20 कौन सा था? 21. का 90. ओके, ये क्वेश्चंस अच्छे हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. नीट 19 क्वेश्चन देख लो. अ मिक्स अ फिक्स मास ऑफ आइडियल गैस अंडरगोस चेंजेस ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम स्टार्टिंग एट एन, ठीक है, एज शोन इन द फिगर. तो हम लोग को टेंपरेचर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ चाहिए, ठीक है. अब यहाँ पे देखो, एल से लेके एम क्या कॉन्स्टेंट है? प्रेशर. सो हम लोग को टेम्परेचर वर्सेस किसका ग्राफ चाहिए? देख लेते हैं, टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम. अगर प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर में भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो इनिशियल ग्राफ कुछ ऐसे आ जाएगा. बस ग्राफ मैच करना और कुछ नहीं करना. और सेकेंड प्रोसेस अगर एम से एन लिखोगे तो यहाँ पे क्या रहेगा? टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, Temperature constant. If the piston is moved such that the rate of flow of heat through the conductor is constant, then the velocity of the piston when it is at a height L by 2 from the bottom of the cylinder. Okay. Everyone, okay. Now, here they have asked the velocity of the piston. Mujhe batao, jo rod attached hai, uska length kitna hai? L. And cross section area is 1 by 9 meter square. Thermal conductivity is K, and other end is at 0 degrees Celsius. मुझे बताओ यहाँ पे सबसे पहले dQ by dt का formula क्या आ जाएगा? ये can I write K A d theta divided by L?
बराबर है, जिसमें दोनों कॉन्सेप्ट कंबाइंड है। ओके, यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी का भी कॉन्सेप्ट कंबाइंड है और यहाँ पे रॉड्स का भी कॉन्सेप्ट कंबाइंड है। ठीक, तो डी क्यू बाई डी टी विल बी इक्वल टू के, एरिया कितना दिया है 1/9। ओके, चेंज इन टेम्परेचर, लेफ्ट हैंड साइड में टेम्परेचर कितना है 27। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में टेम्परेचर 27 है, राइट हैंड साइड में कितना है 0। कितना आ जाएगा 27 डिवाइडेड बाय n, कैन आई राइट दिस एज 3k/n। यहां तक लॉजिक क्लियर है सबको? ओके, इसके बाद देखते हैं। ओके, सो 0.5 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर स्टेडी स्टेट जा रहा है, हम लोग को पूछा क्या है उसका वेलोसिटी। अभी तो कैलकुलेट द वेलोसिटी एट एनी गिवन पॉइंट, dq by dt तो पता होगा, dq by dt पता है। चलो ये फर्स्ट हो गया। अगर मैं गैस चैम्बर ले लूं, मैं गैस चैम्बर ले लूं, when the distance is equal to n, look here, so when the length of the chamber is equal to n, तो मुझे बता दो length of the chamber कितना दिया है n। okay, so then मैं इसका मैं q कैसे calculate करूँगा? आइडियल गैस है 0.5 मोल्स का, सो कितना रहेगा व्हेन द पिस्टन सेट अ हाइट ऑफ n/2। ठीक है, चलिए ये सब डायरेक्टली दिया। हीट लॉस बाय द सिस्टम कितना है 0, करेक्ट है। सो मुझे बताओ हाउ विल आई सॉल्व दिस फर्दर। पिस्टन से कुछ लेना देना नहीं है। At a distance set by 2, original length कितना था? N. मुझे बताओ constant heat flow हो रहा है, so कौन सा process हो गया? Adiabatic. ध्यान से देखना है यहाँ पर. Okay? Everyone look. तो adiabatic process हो गया. Original अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे adiabatic है या isothermal है? उन्होंने दिया है कि constant heat flow हो रहा है. तो अगर यहाँ पे 27 रहेगा, तो right में कितना रहने वाला है? हमेशा 0. यहाँ पे हमेशा टेम्परेचर कितना रहने वाला है? स्टेडी स्टेट प्रोसेस में टेम्परेचर कितना रहता है? सेम। सो कैन आई यूज द फॉर्मूला P1V1 इज इक्वल टू P2V2? आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, स्टेडी स्टेट दिया उन्होंने, लेफ्ट हैंड साइड में जो टेम्परेचर रहेगा वो क्या रहेगा? कॉन्स्टेंट। तो फर्स्ट प्रेशर, तो अभी मुझे क्या चाहिए? ओके, प्रेशर चाहिए और वॉल्यूम के टर्म्स में आंसर चाहिए। ठीक है, सो हाउ विल आई कैलकुलेट दिस पार्ट? नाउ लुक हियर, फर्स्ट प्रेशर लेट इट बी एज इट इज। फर्स्ट वॉल्यूम कितना था? A into L. सेकेंड प्रेशर लेट इट बी इक्वल टू P2. सेकेंड वॉल्यूम कितना था? A into L by 2. सो ये N और L कैंसिल हो जाएगा, A कैंसिल हो जाएगा, P2 will be equal to 2 times P1. तो मुझे बताओ इसके आगे मैं कैसे सॉल्व करूंगा? सो यहां तक तो आ गया, हीट सप्लाई कैसे आप कैलकुलेट करूंगा? हीट सप्लाई कैसे फॉर्मूला यूज करूंगा? Q will be equal to कौन सा प्रोसेस है? इसो थर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, कैन आई राइट दिस एज नाउ T into log V1 by T2 यूज कर लूं मैं। प्रेशर का भी वैसे जरूरत नहीं था, वॉल्यूम से भी आ जाता था। ठीक है, तो मुझे बताओ। ओके, हाउ विल आई सॉल्व दिस फर्दर? चलो ये भी तो ये आ गया, dq by dt वेलोसिटी का से आ जाएगा, करेक्ट। मोल्स कितने दिए? 0.5। ओके, टेम्परेचर कितना दिया है? 27 300 केल्विन आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? log 2। तो dq by dt, बट इसके आगे क्या आ जाएगा? चलो q आ गया, पर dq by dt से मुझे कैसे तो इसको इक्वेट करना है। कैसे करोगे आप? q will be equal to number of, पहले ये तो फाइंड कर लेते हैं, number of moles कितने दिए? 0.5। r के टर्म्स में आंसर चाहिए। ठीक है, t कितना दिया है? 300 दिया है। log P1 by P2 कितना है? 1/2। ठीक है, इसके आगे देखो, इसे हम लोग को log 1/2 का पहले तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। मैं वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, या फिर L के टर्म को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। इफ आई टेक L इन द लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन, तो dq by dt का वैल्यू क्या हो जाएगा? dl by dt will be equal to 3k divided by q लिख सकता हूँ, ऐसे भी देख सकता हूँ।
डीएल बाय डीटी मुझे क्या देगा? करेक्ट, डीएल बाय डीटी मुझे क्या दे देगा? वेलोसिटी 3k q का वैल्यू मैं यहां से सब्स्टिट्यूट करूंगा एंड मुझे ये मिल जाएगा। इज दिस लॉजिक क्लियर टू एवरीवन? थोड़ा सा बड़ा सब है, अच्छा सब है। सर रेट ऑफ हीट फ्लो रेट ऑफ हीट फ्लो मतलब रेट ऑफ हीट फ्लो क्या है? हीट सॉइल थ्रू द ये कनेक्टर सिस्टम क्या मिलेगा? डीएल बाय डीटी जो डीएल बाय डीटी से मुझे क्या मिलेगा? वॉल्यूम। समझ में आया? अब यहाँ पे मैं राइट वॉल्यूम पीवी लिख देता हूँ। पीवी को मैं पी ए इनटू एल लिख सकता हूँ, ए इनटू लेंथ लिख सकता हूँ, राइट जो भी है। अगर मैं दोनों साइड इसको डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या हो जाएगा? प्रेशर तो चेंज होते जा रहा है। एरिया इनटू लेंथ, लेंथ को मैं क्या लिखूंगा? लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम इज वॉल्यूम। इससे आया होगा क्या? लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। So, 24th में इजी है। ग्राफ किसके बीच में दिया है? पीवी सबसे ज्यादा एरिया कौन सा कवर कर रहा है? फर्स्ट फॉलोड बाय सेकंड फॉलोड बाय थर्ड। तीनों का अगर आप देखोगे इनिशियल प्रेशर तो सेम है और फाइनल और इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम है और सबका फाइनल वॉल्यूम क्या है यहाँ पे सेम। तो सबसे ज्यादा वर्क डन रहेगा। जैसे अगर मैं इंटरनल एनर्जी के बारे में बात करूं तो पीरियड मेमोरी दिस थोड़ा सा साइड में ले लेता हूं। सो अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा वर्क डन किसका रहेगा? वर्क डन विल बी मैक्सिमम फॉर कैन आई से फॉर प्रोसेस 1 फॉलोड बाय प्रोसेस 2 फॉलोड बाय प्रोसेस 3 21 में ना 24 है ना। सो अब हम लोग को इंटरनल एनर्जी चाहिए। मुझे बताओ यहाँ पे फर्स्ट प्रोसेस कुछ ऐसे दिया है? यहाँ से यहाँ ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। मुझे बताओ इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम सबका सेम है? फाइनल इसका वॉल्यूम मुझे बताओ सबसे लीस्ट वॉल्यूम किसका है? और सबसे लीस्ट प्रेशर वॉल्यूम तो इसका भी सेम ही है। सबसे लीस्ट प्रेशर किसका है? 3। सो कैन आई से P3 अभी आप ले सीरीज वर्ड को एनआरटी यूज कर सकते हैं हम लोग। फाइनल वॉल्यूम सबका सीरीज वर्ड को एनआरटी यूज कर, ठीक है? फाइनल वॉल्यूम सबका सेम है। जिसका प्रेशर मिनिमम रहेगा उसका टेंपरेचर मिनिमम रहेगा। अगर प्रेशर मिनिमम है तो टेंपरेचर इज मिनिमम। इंटरनल एनर्जी सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड करता है, किस पे? टेंपरेचर। तो जिसका प्रेशर तो कह रहा है इसे इनिशियल टेम इनिशियल को मैं यू नॉट लिख लेता हूँ। ये फाइनल इंटरनल एनर्जी U1 U2 U3 मिनिमम किसका है? U3 एस द स्मॉलेस्ट फॉलोड बाय U2 फॉलोड बाय U1। तो सबसे ज्यादा चेंज किस में आता है? U1 में सबसे ज्यादा चेंज है। दैट इज मान लेते कि ये इनिशियली 50 था तो ये रहेगा, ये सबसे ज्यादा मान लेते ये 40 है, ये 30 है, ये 20 है। तो फर्स्ट में चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितने का आया है? फर्स्ट में चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितने का आया है? 10। सेकंड में चेंज इन इंटरनल एनर्जी 20। थर्ड में चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितने का आया? 30। तो कैन आई से डेल्टा U3 इज ग्रेटर देन डेल्टा U2 ग्रेटर देन डेल्टा U1। तो देख लो कौन सा आंसर। सो Next,
इसमें कुछ है ना, जे डब्ल्यू में जाते हैं। ओके, जे डब्ल्यू में क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते, चलो दो सम कर लेंगे। सो 8 देख लेंगे, व्हेन अ सिस्टम इज टेकन फ्रॉम ए स्टेट ए टू स्टेट बी अलोंग द पाथ, स्टेट ए टू स्टेट बी अलोंग द पाथ ए सी बी, ठीक है, इट इज फाउंड दैट द क्यू इज इक्वल टू 200, इज अब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम एंड द फंक्शन इज 82, इज डन बाय इट along the path ADB, Q is equal to 144, the work done along the path, मुझे बताओ, दोनों का initial और final path, दोनों का initial और final state same है? अगर initial और final state same रहेगा, तो क्या same रहेगा? Delta U सबका क्या है? Same, so can I write delta U1 is equal to delta U2, so can I write delta U, delta U का formula कैसे लिखा होगा? Delta Q is equal to delta U plus W, so can I write this is delta Q1 minus W1 is equal to delta Q2 minus W2. Yeah, तो first में heat energy absorbed दी है ना, तो ये negative 200 रहेगा, work done by the system है क्या? 80 joules minus W2. It is done by, तो ये positive रहेगा, तो ये 80 आ गया, second में एक है ना, second में ये 144. हाँ तो प्लस 80 सब शुरू किया ना, तो माइनस फॉर्मूला, माइनस तो फॉर्मूला में ऑलरेडी माइनस है ना, करेक्ट है, माइनस ऑलरेडी फॉर्मूला में, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक नंबर फॉर फॉल कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन इन केस एक्सपोज़ सॉलिड पर तो कोई नहीं, आपको ये थर्मल केस में हो जाएगा प्लस और 16 साइक्लिक सिस्टम सब तो मैंने क्लास में किया है, साइक्लिक देखो सिंपल लॉजिक है, सिस्टम सब मैंने क्लास में किया है, मतलब सिमिलर सभी में, अगर साइक्लिक प्रोसेस है मुझे बताओ वर्क डन विल बी द एरिया अंडर द ग्राफ, वर्क डन विल बी एरिया अंडर द ग्राफ सर्कल दिखाई दे रहा है, तो क्या रहेगा एरिया, पाई आर स्क्वायर, देयर एंड दिस इज पाई आर1 इनटू आर2, ये क्या हो गया इसका, ठीक है क्या ये कितना दिया है v2 minus v1 और ये कितना दिया है v2 minus p1 बराबर है, ये क्या हो गया डायमीटर हो गया ना, तो रेडियस को क्या करना पड़ेगा डिवाइड बाय 2 ना, सो p2 minus p1 डिवाइडेड बाय 2 एंड v2 minus v1 डिवाइडेड बाय 2, समझ में आया ये डिवाइड बाय 4 क्यों आया, इसका आंसर मैच नहीं कर रहा, देख लो एक बार माइनस 280 यहां पे हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये नहीं ये वाला तो देख लो एक बार, ये आ रहेगा तो मे बी क्वेश्चन माइनस का कुछ निकाल लो और बताइए 18 Okay, in the following graph, PV of an ideal gas, AB, consider an isothermal and adiabatic. PV by V slab. Bhi kya humne just? Same kiya hai. 200, 300 wala dekh lo. Same answer, same sir. Okay? Ye to aur bhi easy hai. Aur bata do. Aur kaise mein aisa koi bhi doubt hai? Hai? Bata do. Ek samay aur nahi dekha. क्लॉकवाइज
ये तो भी आइसोथर्मल है, क्लैरिटी का टर्म चाहिए क्या? चलो क्लैरिटी log of v2 कितना है, v2 / v1 ना 2 / 2 v1 / v1 कितना हो जाएगा 2 बिटवीन d टू c आइसो पारिक प्रोसेसर, आइसो पारिक के लिए क्या आ जाएगा p * v2 - v1 तो p * क्या आ जाएगा पर को मैं क्या लिख सकता हूँ, और आइसोकोलिक के लिए तो क्या हो जाएगा जीरो। तो एनआरटी लॉग ऑफ v2 - v1 ये माइनस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पीवी को हम लोग क्या लिख लेंगे एनआरटी, सो पीवी को हम लोग क्या लिख लेंगे एनआरटी, सो माइनस एनआरटी लॉग टू माइनस वन, टू माइनस वन या फिर लॉग टू इंटू टू ले लो माइनस वन, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा टू। यहाँ पे देखो ओके ये एनआरटी है ओके। आप मुझे बताओ टेम्परेचर, टेम्परेचर पॉइंट बी पे कितना है, पॉइंट बी पे टेम्परेचर कितना रहेगा, कैन आई यूज द फॉर्मूला पी वन, सो कैन आई यूज द फॉर्मूला पी वन बी वन इज इक्वल टू पी टू बी टू, पहले प्रोसेस ए से बी के लिए, तो ए पे कितना है पी टू, वॉल्यूम कितना है बी वन, यहाँ पे प्रेशर कितना है पता नहीं, वॉल्यूम कितना है बी टू बी वन राइट, तो P2 is equal to P1 divided by 2, ठीक है? तो ये वाला पार्ट आ गया। अब टेम्परेचर के टर्म्स में कैसे सॉल्व करूंगा मैं इसको, P प्रेशर दैट इज प्रेशर वन इनटू चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। तो प्रेशर वन को मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, कैन आई राइट P1 V1 इज इक्वल टू, मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, सो व्हिच इज इक्वल टू ओके लास्ट स्टेप है। अच्छा क्वेश्चन है, इजी है, ठीक है। पी वी पी वन वी वन इक्वल टू पी टू वी टू इक्वल टू एनआरटी लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पे जब भी पी से पी पे जा रहा है प्रोसेस, तो प्रेशर कितना है पी वन बराबर है, और वॉल्यूम कितना है पी टू वी वन माइनस टू वी वन, यह कितना हो जाएगा टू वी वन माइनस वी वन कितना हो जाएगा जो प्रेशर दिया है पी टू है, वॉल्यूम कितना है v1, ओरिजिनल पॉइंट ए पे पी टू को मैं क्या लिखूं इज इक्वल टू एनआरटी, पी टू को मैं क्या लिखूं v1 डिवाइडेड बाय 2, तो ऐसे ही है 2 एनआरटी आ जाएगा क्रॉस कटिंग मेथड नो आंसर, ठीक है। सो यहाँ पे आपको आंसर आ जाएगा, चलिए बाकी के जो डाउट्स रहेगा आई विल टेक दोस डाउट्स अगले वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट टाइम लेवल पे कंटिन्यू विद अ न्यू चैप्टर, अगला कुछ भी ऐसे चल सिंपल आ रहा Okay,